नमस्ते दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। दोस्तों हो, आज हम सीखेंगे 2022 के पास पीटीओ में अप्लाई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों हो, अभी 2021 साल जा चुका है और 2022 आ चुका है, तो हमको दोस्तों 2021 के हमने तो पास पीटीओ ले लिए है और उसमें अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन 2022 में पास पीटीओ अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको तो चेक करा देता हूँ, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाकर HRMS ID पासवर्ड और OTP पिन डालकर लॉगिन हो जाना है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जो तीन लाइन दिख रही है यहाँ पर एरो होता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, पास सेक्शन में जाना है और अप्लाई फॉर ई पास पीटीओ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पास के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही अभी मैं आपको चेक करके, सबसे पहले तो मैं चेक करके बताता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं प्रिविलेज पास लेता हूँ और यहाँ पर गो कर देता हूँ, तो देख ले आप जो देख रहे होंगे कि 2021 के अप्लाई व्यू दिखा रहा है, लेकिन 2022 में फुल सेट हाफ सेट पास तो दिखा रहा है, लेकिन अप्लाई व्यू में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जीरो जीरो दिखा रहा है। तो और मैं इसको पीटीओ के लिए करता हूँ गो। देखो दोस्तों पीटीओ के लिए भी वही कंडीशन आ रही है, फुल सेट हाफ सेट तो पूरे दिखा रहा है लेकिन अप्लाई एंड व्यू नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में हमको क्या करना है, जिनको भी अभी 2022 का पास लेना है या पीटीओ लेना है, वो पास क्लर्क के पास जाए और पास क्लर्क को कहे कि इसको मैनुअल एंट्री कर दे। तो दोस्तों मैनुअल एंट्री करने के बाद में उसको एक्सेप्ट करना है और ओके कर देना है, और आपको पास पीटीओ आपके सही है या नहीं है उसको भी चेक कर लेना है। तो दोस्तों और ये किसमें मैं बात बता रहा हूँ कि जब भी आप पास पीटीओ लेते हो तो उसमें ऑटोमेटिक अप्लाई व्यू आता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। इसके कारण दोस्तों हो, ये जो कुछ टेक्निकल कारण हो सकता है नहीं आने के लिए, तो दोस्तों अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो पास क्लर्क को जाके बोलना है। तो दोस्तों जैसे हमने डिक्लेरेशन दिया था उसी प्रकार इसको एक्सेप्ट एंड ओके कर देना है, उसके बाद ये अप्लाई एंड व्यू का ऑप्शन हमारे पास आएगा, तब जाकर हम 2022 के पास ले सकते हैं। दोस्तों हो, 2021 के पास यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बता रहा है, लेकिन 2022 के लिए कुछ भी नहीं बता रहा है, जीरो जीरो बता रहा है। तो दोस्तों हो, 2022 के पास पीटीओ के लिए अभी हम लोग अप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों हो, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है कि पास क्लर्क को बताना है कि वहाँ से वो पास मैनुअल एंट्री कर दे। तो दोस्तों उसके बाद वो आपके पास मैसेज भेजेगा, तो वो मैसेज किस तरह से भेजेगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 2021 में अप्लाई एंड व्यू का ऑप्शन है, लेकिन 2022 में जीरो जीरो है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों जब मैं पास क्लर्क को बोला है तो उन्होंने मुझे वहाँ पर मैनुअल एंट्री करके इस तरह का मैसेज भेजा है। तो इस तरह का मैसेज भेजने के बाद में आपको क्या करना है, रिमार्क्स जो लिखा है यहाँ पे, जो रेक्टेंगल लिखा है यहाँ पर ओके कर देना है और कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में ऊपर में यहाँ पर एस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाएगा और आपके 2022 के पास दिखने लग जाएंगे, वो किस तरह से दिखेंगे। तो दोस्तों हो, आपको फिर से HRMS ID में जाना है, पास सेक्शन में जाना है और पास अप्लाई करना है और पास सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों पास सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं प्रिविलेज पास और गो कर देना है, तो 2022 लिखा है यहाँ पर। तो दोस्तों हो, देखो अभी मेरे 2022 में अप्लाई एंड व्यू पास आ गया है। तो दोस्तों अभी मैं 2021 के भी पास पीटीओ ले सकता हूँ और 2022 के भी
पास पीटीओ ले सकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि 2022 के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं पास पीटीओ लेने के लिए, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ऊपर ईयर 2022, मतलब हम लोग न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो न्यू एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग 2022 के भी पास पीटीओ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था कि 2022 के जो पास पीटीओ है वो कैसे ले है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।